आपके पास व्लॉग आफ्टरनून में जाएगा तो मैं आप लोगों को गुड आफ्टरनून भी विश कर देती हूँ। और यहाँ पर ये मॉर्निंग का व्यू कुछ ऐसा है मेरे यहाँ पे। रात को हुई थी थोड़ी सी बारिश, लेकिन सुबह फिर से बादल सारे उमड़ कर आ गए हैं दोबारा से बरसने के लिए, क्योंकि ना फसल उगनी है तो बादलों को पता है धरती माता को पानी चाहिएगा तो पानी दे के आते हैं। और हम लोग दो दिन से फव्वारे लगा रहे थे ना, तो भगवान ने सुन ली और बारिश करने की सोच ली कि फव्वारे नहीं लगाने पड़ेंगे, बिजली का और पानी का खर्चा बच जाएगा। और देखिए कितनी भयंकर तरीके से बादल चढ़ गए हैं और हवा भी चल रही है। और ये वाली हवा जो है ना, मम्मी बता रही थी इसके बाद में बारिश ज़रूर आती है। कौन सी हवा होती है मुझे नहीं पता, आप लोग बताना कौन सी है, पूर्व की है कि पश्चिम की है, जिसमें बारिश आती है वो वाली हवा चल रही थी। और एकदम शांत सा इन्वायरमेंट था, सब लोग सोए हैं। बस 5:30 बजे का व्यू है ये, ऐसा नहीं है कि लेट का है, सही 5:30 बजे का व्यू है। जब मैं उठी थी उठते ही मैंने कैप्चर किया था, मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आसमान भी, चारों तरफ जो एरिया है खेतों में वो भी सारा बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं, भाभी, मम्मी, हम तीन उठे हैं और बाकी सब उठेंगे अब धीरे धीरे, जैसे जैसे दिन उगता जाएगा, काम स्टार्ट होता जाएगा। सनराइज़ नहीं हुआ है, सनराइज़ होने में थोड़ा सा टाइम है। वैसे मतलब हमें नहीं दिखा है, पहाड़ों के पीछे से दिखता है ना, वो हमें नहीं दिखा है। वैसे जब लाइट दिख रही है, रोशनी आ रही है, तो मतलब सूरज तो निकल चुका है। पता नहीं कितनी देर पहले निकले थे सूरज देवता। और चाय बन गई, चाय पी लीजिए। ये देखो मम्मी ने चाय बना ली है, मैं बाहर तक झाड़ू लगा रही थी ना जब तक मम्मी ने चाय बना ली थी। और मम्मी ने कहा था पानी की बाल्टी भर के ले आओ, क्योंकि गर्म पानी रखना होता है ना सुबह सुबह, और ऊपर से ठंडा मौसम है तो वो कन्फर्म रखना ही था। और शेरू भाई साहब जो है ना, वो मुझे ऐसे घूर रहे थे, मैंने उनको ये कपड़ा दिया, इससे बहुत देर तक खेले और फिर उसके बाद में ना मेरे से नाराज़ हो गए। देखो कैसे नाराज़ होके ना ऐसे देख रहे हैं। सुबह पहले शुरू हो गई, सुबह पहले उठते ही आंधी के साथ बारिश आ रही है। मतलब आज सारे काम की बैंड बजा दी इसने ढंग से, एकदम मौसम ख़राब हो गया सारा, सर्दी लग रही है। कैमरा पानी पड़ेगा। और वे दोनों है ना, पूरा काल सुबह बारिश आई थी जब ढका था, फिर दोबारा से उगाड़ दिया दोपहर में धूप आते ही, अब दोबारा ढक रहा है। पूरी रात पूड़ा की टेंशन रही है, बादल हो रहे थे बार बार, बादल हो रहे थे पूड़ा की टेंशन होती, पूड़ा ना भीग जाए लास्ट में। और ये बल्ली लिया है, चांद खाता है, देखो ये लंबी सी है ना। और ये आई कहाँ से पता है, मेरे अपनी YouTube फैमिली से एक सब्सक्राइबर हैं हमारे इधर से, हमें देखते हैं, बहुत अच्छी व्यूवर है, हमसे मिल भी चुकी है पहले, तो सिंगाना से है वो। उनको फ़ोन किया था, उन्होंने अपने किसी जानकारी के थ्रू निकलवा के रखी, क्योंकि बंद है ना, तो फिर ये लोग लेके आए बाइक से जाके, ऐसे करके आ गई वो देख वो भी बारिश के ही देख रही, बारिश कब जाएगी सारा काम। और ये भीज के बनी आज दोनों का, दोनों देखो इतनी जोर से बारिश हो रही है, इसमें लटक रहे हैं दोनों, एक दो रहेंगे बाज के, ना 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 ढक ही रहे। मेहनत करिए भाई, टेंशन तो होगी है ना। आ गया पिक्चर, कैमरा पूछ लियो अच्छे से ना पूछो, अब के साफ हो गए एकदम। और यहाँ पे भैया की ड्यूटी थी नाइट की, तो भैया जैसे मॉर्निंग में पहुंचे हैं, पहुंचते ही सिवास पहुंच गया उनके पास में, मेरे लिए क्या लेकर आए, रोज का काम है इसका। जैसे पापा जी बाहर जाते हैं, भैया बाहर जाते हैं, कोई भी आता है ना मतलब बाहर से, तो ये भाग के पहुंच जाता है, मेरे लिए क्या लेके आया। और ये भैया जो है ना, ये हमेशा मतलब भैया भी दोनों और पापा जी भी और नैनी के पापा भी, ये जब भी जाते हैं ना, ये कुछ ना कुछ जरूर लेके आते हैं इसके लिए, तो इसको आदत हो गई कि मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आए होंगे। और ज़्यादा नहीं ना तो एक चॉकलेट जरूर देते हैं, और फिर मैं इनको डांटती हूँ, मैंने कहा कि चॉकलेट एक एक देने से भी ना इसकी आदत ख़राब हो रही है। और ये
ऐसा हो जाएगा बस, अब इसको ना चॉकलेट ही चॉकलेट सूझेंगी हर जगह पे, और दांत खराब होते हैं वो अलग से, तो थोड़ा सा सही नहीं लगता ना। और यहाँ पे मैंने बाहर जो था ना चूल्हा जो हमारा है वहाँ पे पानी गिर गया था ना बारिश की वजह से, तो बारिश अभी एक बार के लिए रुक गई, तो मैंने सोचा इसको निकाल देते हैं क्योंकि ना चूल्हा तो दोबारा जलाना पड़ेगा, बिना चूल्हा जलाए हमारा काम नहीं चलता, सारा काम चूल्हे पे होता है। तो अब दोबारा चूल्हा जलाने के लिए पहले इस पानी को निथार देंगे, तो हवा जब चलेगी ना तो ये सूख जाएगा और यहाँ पे मिट्टी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं बोरी डाल दूंगी, ये पानी निकाल के ना एक बोरी जो होती है ना, बोरी समझते हो ना, वो बोरा डाल दूंगी, तो बोरा डालने से मिट्टी उसी पे रह जाएगी। आप लोगों की जो भी सलाह थी ना उसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, कुछ सुधार हुआ है, उतना नहीं हुआ है लेकिन कुछ तो हुआ है, पहले से कुछ तो बेटर है, 5% भी अगर बेटर है ना तो थोड़ा मन मतलब खुश होता है कि चलो इतना तो हुआ। और भाभी ने दूसरी चाय रख दी है, देखो मम्मी ने एक चाय बना ली थी, अब दूसरी चाय हमारी चढ़ चुकी है, देख लीजिए सामने पूरे दिन चाय चलती है यहाँ पे। ये नहीं है कि बस काम थोड़ा सा हुआ फिर भाभी या मम्मी कोई भी चाय बना लेंगे, मैं नहीं बनाती, मुझे चाय बनाने का शौक नहीं है, बस ये बोलते हैं ना तब मैं पी लेती हूँ इन लोगों के साथ में, ये कभी मम्मी पकड़ा देती है कभी भाभी पकड़ा देती है, तो मैं सोचती हूँ चलो पी लेते हैं कोई बात नहीं, तो इनके साथ में चाय इतनी हो जाती है कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पे मम्मी आ गई है मंदिर साफ करने। हम लोगों का अगर काम देखा जाए ना, मैं पूरा अगर व्लॉग में कैप्चर करूँ ना तो कसम से पता नहीं कितने व्लॉग बन जाएंगे एक दिन का काम कैप्चर करने में, पूरे दिन काम खत्म नहीं होता, मतलब इंसान थक के ना बैठ जाता है बस काम खत्म नहीं होने का। यहाँ पे मम्मी जो है वो ये मंदिर साफ करती है, मम्मी की ही मतलब मम्मी करती है, ये हमेशा मम्मी का ही काम होता है, या फिर बच्चे जो है ना जो पूजा करते हैं इस मंदिर में आके रोज सुबह सुबह वो करते हैं, तो मम्मी का एक बार मम्मी कर जाती है, बच्चे आते हैं फिर वो दोबारा करके जाते हैं, ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि मम्मी ज़रूर आती है करने के लिए। तो यहाँ मम्मी पहुँच गई है, पहले झाड़ू लगाएंगी फिर उसके बाद पोछा लगाएंगी, और ठंड देखो मम्मी को कितनी लग रही है, मम्मी ने ना शॉल भी पहन रखा है, और पूरी बाजू का जो ये था ना कमीज ये शर्ट से बनाते हैं, शर्ट जो होती ना जैसे नैनी के पापा की शर्ट है पुरानी हो गई, उसको नीचे से काट के उसको फोल्ड कर लेते हैं और उसका कमीज बन जाता है इनका। दादी भाई बहुत ही बुढ़ी हुई जी जी ना, और आज जो ये कैप्चर किया था ना ये नैनी लेके गई थी फोन, मुझे पता भी नहीं है, वो माँ के साथ चली गई फोन लेके, और आजकल ना नैनी माँ के साथ ना बहुत सी चीजें अच्छी अच्छी सीख रही है, आप देखिएगा इस वीडियो में कि माँ के साथ उसने मतलब क्या कुछ करना सीख लिया। मैं भी जब एडिटिंग कर रही हूँ ना, जब मैं देख रही हूँ कि वो भी क्या 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 काम करके आती है, जब मंदिर जाती है जब माँ के साथ हमेशा जाती है, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं होता कि वो भी करती है, मुझे लगता था कि माँ ही करती हैं, लेकिन फिर ये जो व्लॉग मैं एडिट कर रही थी जब मुझे पता चला कि वो देखो पोछा लगा रही है मंदिर में, और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, जैसे बच्चे ना बुजुर्गों के साथ रहते हैं ना तो बहुत सी अच्छी हैबिट्स उनके अंदर आ जाती हैं, जैसे धीरे 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 पता भी नहीं चलता और वो उस माहौल में इस अच्छे तरीके से ढल जाते हैं। एक तो पेशेंस लेवल बहुत अच्छा आ जाता है बच्चों में, कि उनको सुनने की बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है जो कि आजकल के टाइम पे बच्चों में नहीं होती, वो जॉइंट फैमिली में रहकर ना बच्चों में बहुत अच्छे से हो सकती है। अगर सारे घर में बड़े हैं और हम बच्चों को सब जैसे कि हर तरीके से गाइड कर रहे हैं ना, और अगर माँ मतलब बच्चे की मम्मी जो है वो बीच में इंटरफेयर नहीं करती है, मैं इंटरफेयर नहीं करती, तो मैं बहुत सारी लेडीज़ हैं जो इंटरफेयर नहीं करती, जैसे बुजुर्ग कुछ कहते हैं तो इंटरफेयर नहीं करती है, तो उस बच्चे में डेफिनेटली बहुत अच्छे गुण आएंगे, बहुत ज़्यादा वो बच्चा ना पेशेंस लेवल्स जो है ना उसका वो बहुत अच्छा होगा, और वो हर काम में ना एक टाइप से परफेक्ट भी होगा, क्योंकि ना उसको डांट पड़ पड़ के वो एक टाइप कहते हैं ना कि उसको मतलब जितना उसको लोहे को तपाया जाता है ना उतना लोहा बहुत अच्छे से चाहेंगे उस आकार में ढल सकता है। तो यही बात मैंने मतलब आप लोगों के साथ में शेयर करने का मतलब ये था कि जितना बच्चों को जिस तरीके से आज का माहौल है हम लाड प्यार देते हैं उनकी हर बात मानते हैं ना, उस तरीके से अगर ना करके और थोड़ा सा हम उनको कंट्रोल में रख करके और थोड़ा उनका पेशेंस लेवल बढ़ाएंगे ना, तो उनको आने वाले टाइम पे ना बर्दाश्त करने की क्षमता उनकी बढ़ेगी और वो हर एक माहौल में ना बहुत अच्छे से ढल जाएंगे।
तो इस ब्लॉग के अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, प्लीज़ अपने बच्चों को ना पेशेंस लेवल बढ़ाने के लिए ना थोड़ा सा डांटना भी ज़रूरी है, डांटिए। और यहाँ मैं आ गई हूँ लकड़ियाँ लेने, क्योंकि बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा हो चुका था। एक बार बारिश आ चुकी थी, दोबारा से चढ़ के आ गए बादल, तो पता नहीं कब खुलेगा। और लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा चाहिएंगी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा लकड़ियाँ और ले आती हूँ। और ये वाला जो ब्लॉग, हम इसको यहीं एंड भी करेंगे। हम मिलेंगे विद इन अ न्यू ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, जाते जाते एक रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आप लोगों के साथ में अच्छे व्लॉग शेयर नहीं कर पाऊँगी तो थोड़ा सा इतना तो है कि आप लोग ये तो देखेंगे कि जॉइंट फैमिली में किस तरीके से हम सर्वाइव कर सकते हैं, किस तरीके से जॉइंट फैमिली के कुछ फ़ायदे होते हैं, थोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं, लेकिन वो नुकसान एडजस्ट किए जा सकते हैं, और जो फ़ायदे हैं वो तो बस बेमिसाल हैं। आप सोच कर भी नहीं देख सकते कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं जॉइंट फैमिली के। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।